मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक विदेशी कोरियाई महिला के साथ मुंबई के खार इलाके में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विदेशी कोरियाई महिला से छेड़छाड़ करने वाले जो दो लड़के हैं उनका नाम है मोहम्मद मुबीन शेख और दूसरे लड़के का नाम है मोहम्मद नकीब सदरे आलम अंसारी। हालांकि पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि विदेशी कोरियाई महिला जो है ये एक यूट्यूबर है और यूट्यूब स्ट्रीमिंग लाइव के दौरान जो है इस महिला के पास ये दो लड़के आते हैं और इस विदेशी महिला के साथ ये छेड़छाड़ करने लगते हैं। यही नहीं, इन दोनों लड़कों ने महिला के साथ हद तक पार कर दी जब इस महिला का हाथ पकड़कर उसे खींचकर गाड़ी पर बैठने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला ने जब गाड़ी पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला को चूमने की भी कोशिश की है। हालांकि ये जब वीडियो सामने आई इसके बाद सोशल मीडिया पर इन पर कार्रवाई करने की मांग होने लगी। सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करके इस वीडियो को इन मंचलों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि मुंबई के खार का ये पूरा मामला जैसे ही सामने आया और विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने वाले ये दोनों लड़के मुबीन मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरे आलम अंसारी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई जो है ये महिलाओं के लिए काफ़ी सेफ माना जाता है, लेकिन इस तरह से जो मामला सामने आया मुंबई के खार इलाके में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ का, ये पूरा मामला सामने आया लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो है इस महिला से छेड़छाड़ की गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इन दोनों मंचलों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। What the fuck? Time to go home. No, it's okay. My it's all over there. Basin? Huh? Basin? Yeah, my house this is there. One, no. Home. Home, my home over there. Okay. Bye.